हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजन गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल आशीष गुप्ता टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीएससी के अंदर एक बहुत बड़ा सरकारी काम निकल के आ चुका है जहाँ पे 58 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा और उस पर काफी सारे बेनिफिट्स आप सभी को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वह काम क्या है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, किसानों को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आज इस वीडियो में चलिए कम्प्लीट जानकारी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, हमने न्यूज़पेपर को यहाँ पे ओपन कर लिया। न्यूज़पेपर की यह कटिंग है और यहाँ हम देख पाएंगे तो नए युग का आगाज, 58 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य, दोहरीकरण व गलत लाभार्थियों को रोकेगा। ठीक है, 58 लाख बेसा किसानों का बनेगा यूनिक आईडी कार्ड। जी हाँ, ये सब तो काम है सीएससी वेली भाइयों को मिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा ज्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण आपको नॉइस आ सकती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बताया गया है चरणबद्ध तरीके से होगा कार्य और यहाँ पर बताया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर कृषि विभाग किसानों को नई पहचान देने की तैयारी कर रहा है। राज्य के करीब 58 लाख किसानों को कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने की दिशा में काम कर रहा है। इन किसानों का यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल और बचत खाता संख्या यानी DBT के लिए आदि अनिवार्य होंगे। किसानों का प्रज्ञा केंद्र में EKYC किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल आधार संख्या वाले प्रमाणिक किसान ही पंजीकृत हैं। उसके बाद भूमि विवरण इंटरफेस के माध्यम से राजस्व विभाग के डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा। बारकोड से किसानों की पहचान की जाएगी। विशिष्ट आईडी कार्ड में एक बारकोड होगा, यानी जो भी किसानों का आईडी कार्ड बनेगा उसमें उनका बारकोड होगा। इस संख्या का उपयोग जिला कृषि अधिकारी एवं अन्य द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। बारकोड किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी संग्रहित करेगा। बिरसा किसान की परिकल्पना का एक ही किसान को विभिन्न योजनाओं का लाभ देना है। इस प्रक्रिया दोस्तों, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा बाहरी आवाज आ रही होगी, इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका और फर्जी तरीकों से लाभ उठा रहे लोगों की पहचान भी की जाएगी। वास्तविक गरीब किसानों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसानों को योजना का लाभ देने से पूर्व DAO द्वारा जांच की जाएगी। डेटाबेस का उपयोग हर वर्ष नए लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पे जो है चार चरणबद्ध तरीके से होगा कार्य। तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको इसमें क्या किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से कार्य होगा। साथ में यहाँ पे बिरसा किसान का उद्देश्य राज्य के किसानों को लाभ प्रदान करना है। राज्य के किसानों को सशक्त उन्नत बनाने के मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप विभाग डेटाबेस बनाने के लिए सभी वांछित जानकारी एकत्र करने पर काम कर रहा है। किसानों को सरकार द्वारा विशिष्ट आईडी दी जाएगी। यह हमें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी की पहचान करने से मदद करेगी। सरकार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और इसे हासिल करने के लिए हम अपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पे बताया गया है प्रथम चरण में डेटाबेस का उपयोग विभाग के भीतर दोहराव आदि की जांच के लिए किया जाएगा। द्वितीय चरण में डेटाबेस का उपयोग विभिन्न विभागों और कृषि विभागों के बीच लाभार्थियों को दोहराव की जांच के लिए किया जाएगा। तीसरे चरण में इसका उपयोग सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच लाभुक के दोहराव आदि की जाँच के लिए किया जाएगा। किसानों की भूमि के विवरण डिजिटलीकरण आदि की जांच के लिए किया जाएगा। किसानों की भूमि के विवरण का डिजिटलीकरण, किसान द्वारा उत्पादित फसल का प्रकार, कुल उत्पादन आदि का आलांकन पर यूनिक आईडी में संग्रहित किया जाएगा। किसानों का विशिष्ट आईडी जांच होने लॉन्च होने के उपरांत कृषि निदेशालय कृषि के अन्य सभी निदेशालयों से डेटा और सॉफ्टवेयर साझा करेगा जिसकी निगरानी के लिए विभागीय सचिव एवं कृषि मंत्री के स्तर पर डैशबोर्ड का गठन होगा। तो दोस्तों, काफी अच्छी जो है सर्विस, काफी बड़ी सर्विस आप देख पाएंगे। 58 लाख बिरसा किसानों का बनेगा यूनिक आईडी कार्ड और यह जो है हमारे सीएससी सेंटर के अंदर जल्द से जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, हमारे लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो मिलते हैं आप नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।